का, हमारी पार्टी का तो ऑलरेडी हो चुका है, हमारे सब प्रभारी प्रत्याशी घूम रहे हैं, बस एक वो फॉर्मेलिटी क्या है कि उसके लिस्ट के मैंने आ जाए जिससे मीडिया को मिल जाए। एक मिनट समाज जी, से आपने कहा कि प्रभारी घूम रहे हैं, तो खास जो शेष विधानसभा आप बचे हुए हैं उस विधानसभा क्षेत्रों में क्या ऐसे भी कुछ है क्या जो अन्य दलों से भी आपके संपर्क में है, या फिर जो आपके पुराने कैडर है वो सब लोग कर रहे हैं भाई, तो हम उससे पीछे क्यों, हम भी हमारा भी लग रहा है, हम भी जाती है सारा समीकरण देख करके कि सपा क्या कर रही है भाजपा क्या कर रही है, उसमें हम भी अपना निर्णय नहीं। मैं दूसरी बात, अन्य दल के लोग भी संपर्क में है क्या आपसे? बिल्कुल है, बहुत लोग हैं, बहुत लोग संपर्क में है, एक एक दल में 10-10 लोग लाइन लगाए हुए हैं। क्या सत्तारूढ़ पार्टी से भी एक ही आदमी को टिकट मिलेगा तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? सत्तारूढ़ से भी है, हर पार्टी से लोग संपर्क, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से लोग संपर्क में सबसे, तो उस पर विचार हो रहा है कि विचार हो चुका है? बिल्कुल होगा, उसमें से देखें किसको मिलता है, फिर हमारा किस पे सेट बैठेगा, हो सकता है जो हम पहले से दे रखे हैं वही बेहतर होगा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि आपको लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी किसी का टिकट कटेगा तो आप उसको प्राथमिकता पर रखेंगे क्या? ऐसा भी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है जी, हम ये देखेंगे कि किसका कट रहा है वो, और हो सकता है उससे बेहतर हम पहले के दे रखे हों जी। अच्छा एक सवाल और है, जैसे 2012 में पहली बार आप विधायक बने, 2017 में दूसरी बार विधायक बने, उस समय में जो आप प्राथमिकता 2022 है, 2000 जो प्राथमिकता थी वो प्राथमिकताओं पे आप खड़े उतरे या फिर कुछ रह गया? नहीं देखिए, रहने में हमारे क्षेत्र से दो चीज़ जो है, दो चीज़ का विशेष तरह से, एक तो हमारे पूरे बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज लाश है, असेंबली में मैं लड़ता रहा लेकिन नहीं बन पाया, मैंने अपनी जमीन भी फ्री में देने के लिए कहा कि ले लीजिए, कभी भी नहीं बन पाया। दूसरा बलिया के एक उद्योग के नाम पर चीनी मिल, इन दो इशू पर मैं चल रहा, और पिछली सरकार ने चीनी मिल बंद किया, और पिछली सरकार और ये सरकार में मैं लगातार लगा रहा लेकिन चीनी मिल चालू नहीं हो पाई, ये हमारी प्राथमिकता है। लेकिन दो को 2022 में क्या रहेगा? दो को हमारी मेन प्राथमिकता है कि हमारी चीनी मिल चालू हो जाए और बलिया जनपद को जो ना रसना में ही हो, हमारे बलिया जनपद में भी हो तो कोई मुझे आपत्ति नहीं है, मेडिकल कॉलेज में। एक और आ रहा है राजनीतिक सुर्खियों में आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी पिछले चुनाव से कमजोर